हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में CISF HCM एंड ASI स्टेनो का पेपर हुआ समाप्त हो चुका। कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे 12 शुरू। चलिए कैंडिडेट से बात करें, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड आप हमारे फील्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते यार, इट हर्ट्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। पेपर अच्छा रहा एग्जाम? कितने किए? थर्ड साइड एग्जाम जिससे निगेटिव मार्किंग नहीं था तो 100 में 100 का करना था। ठीक है, हाँ। तो ऐसे जैसे मिनिमम क्वेश्चन जो बनाया है वो लगभग 80+ बनाए थे। 80+, हाँ। सही सही बनाए। हाँ। मतलब क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग कैसे, आसान था या एवरेज था? मॉडरेट क्वेश्चन था, मतलब एवरेज था। एवरेज क्वेश्चन था। अच्छा, सबसे टफ कौन सा सेक्शन लगा आपको चारों में से? हाँ, टॉप, जैसे मैं टॉप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैथ्स में था तो एवरेज क्वेश्चन आप बना सकते थे, 20 से 20 तक एवरेज बना सकते। 5 क्वेश्चन जो था जो थोड़ा टफ था। हाँ, जो 5 क्वेश्चन जो टफ था वो किस किस टॉपिक से था? मेंसुरेशन से क्वेश्चन एक भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं लगभग टॉपिक से था ही क्वेश्चन, मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, हाँ ठीक है। और उसके बाद सबसे ईजी कौन सा लगा आप? ईजी जैसे मैं हिंदी ईजी था। अब जैसे मॉक टेस्ट में देते थे उस तरह का नहीं था, ईजी था। हाँ, हिंदी इजी था। ठीक है। और GS कैसा रहा आपके लिए? GS था ही, मतलब एवरेज क्वेश्चन था GS का, लगभग बनने वाला था वही लगभग 15 से 20 के आसपास में GS, हाँ, बनने वाला था GS। स्टैटिक में जो GS से सवाल था वो किस किस टॉपिक से था? नृत्य से क्वेश्चन था, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ख्याल नहीं आ रहा है उतना सारा। अच्छा, कितना सही हो जाएगा? सही लमसम में वही हम बता रहे हैं, वही 70 से 80 के बीच में। 70 के 80 के? हाँ, हमारे हिसाब से। अच्छा, आज तो लास्ट है HCM का पेपर, अभी ये वाला शिफ्ट। तो आने वाले कैंडिडेट जो अगले साल फॉर्म भरेंगे उनके लिए आपके तरफ से क्या फीडबैक रहेगा, कैसे तैयारी करें उसके लिए? फीडबैक यही रहेगा कि आप जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग बस पढ़ना है, बस वही। हाँ, सिलेबस मतलब पूरे कवर करना है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना जरूर है। एनालिसिस करने के बाद घर पे एनालिसिस कीजिए, जिस टॉपिक से गलत हो रहा है ना क्वेश्चन उस पर घर पे जाके विशेष ध्यान देना है और बस तैयारी करना, यही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट हो गया। कैसा गया एग्जाम? बहुत ही अच्छा था। कितने बनाए? चैनल भी देखते हैं, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं। थैंक यू सो मच। कितने सवाल किए आप? हम तो लगभग 85+ किए थे। 85+ किए। और क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हिंदी भी आसान था, रीजनिंग भी, और मैथ भी थोड़ा सा मतलब आसान था, लेकिन हमको मतलब उतना नहीं बना था मैथ, बाकी रीजनिंग वगैरह बनाए थे, हिंदी बनाए थे, जीके में और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। करंट अफेयर से अगर बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर से बहुत ही लड़ रहे थे। अच्छा। और डांस का बात करें तो डांस से क्वेश्चन नहीं आया था, एक तो फेस्टिवल से आया था, फेस्टिवल से, और मुगल वंश से कोई नहीं आया था, और मतलब बीच में जो पॉलिटिकल से आया था गांधी जी से, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बोले थे करो या नरो को मार नारा जो बोले थे, वो पूछे थे कि मतलब किस में हुआ था, ये पूछे थे। और साइंस से कुछ था कि नहीं? साइंस में नहीं, साइंस में कुछ नहीं था, नहीं, ना बायोलॉजी ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, कुछ नहीं था। आप हिंदी बनाए हो? हाँ, हिंदी बनाए थे। हिंदी तो आसान, पर्यायवाची था और विलोम था और समास विग्रह था और फिर प्रत्यय था, प्रत्यय से क्वेश्चन लगता है 3 क्वेश्चन था प्रत्यय से, और उपसर्ग भी नहीं था, समास था, और हमको और याद। ओवरऑल पेपर मज़ा आया देखे? हाँ, बहुत ही अच्छा था। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, ये CISF में पहला अटेम्प्ट है, पहले भी दिए हैं? पहली बार है। क्या लगता है इस बार होगा? हो जाएगा। हम भी आशा उम्मीद करते हैं दोनों। ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। थैंक यू भैया। कैसा रहा पेपर? पेपर का पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब कल के कंपेरेटिवली कैसा लगा है? कल देखिए, कल अभी हम मेरा फर्स्ट शिफ्ट था ये वाला, कल के बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैथ का लेवल बहुत ही आसान था, रीजनिंग भी बहुत ही आसान था, और हिंदी का लेवल मत पूछे, बहुत आसान था। मतलब जो CGL का एस्पिरेंट है या फिर CHSL का जो BSSC का एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है वो आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। अच्छा। अभी तो फिलहाल हम CGL की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, इसमें? हाँ, मेरा जनरल कंपटीशन का लाइन में फर्स्ट एग्ज़ाम था। अच्छा, अच्छा। और आशा है कि इस एग्ज़ाम मतलब 80+ स्कोर किए हैं। 80+? हाँ। अच्छा, एक्यूरेट सब बना तो सब दिए, क्योंकि 80 मार्किंग था? 80 मार्किंग नहीं है इसमें, एक्यूरेसी के साथ आप 80+ बता रहे हैं? 80+। इंग्लिश आप बना है लैंग्वेज में? हिंदी बनाए। हिंदी में किस किस टॉपिक से सवाल रहा था? हिंदी में
हिंदी में जैसे कि समास था और अव्यय था और मतलब संज्ञा संज्ञा था, मतलब ये बहुत ही इजी टॉपिक था। अच्छा, और रीजनिंग में आवरा था, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से था, फिर कटिंग फिगर से था और फिर कोडिंग डिकोडिंग से था, मतलब रीजनिंग का लेवल बहुत आसान था। जीएस का क्या सीन रहा? जीएस 2022 का करंट अफेयर्स पे था, करंट 2022 पे। कुछ सवाल रिकैप कर पा रहे हैं, किससे संबंधित वो सवाल था? यही कर रहे हैं कि जितने भी जो युद्ध अभ्यास होते हैं ना 2022 में, वही सब पूछा था। और मैथ्स? मैथ में आपको टंकी वाला जो सवाल होता है वो 2-3 पूछ दिया था, और परसेंटेज था, और परसेंटेज के बाद एवरेज था, और क्या बोलते हैं मतलब फाइनली रिव्यू बताए तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना वो आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। हाँ, और इस बार मतलब आशा है निकल जाना चाहिए। हाँ, करते हैं आपका हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कैसा रहा? अच्छा रहा एग्जाम। अच्छा, आपने कितना किया? हम 70+ मारे हैं। 70+ जी। कोई डिफिकल्टी आपको चार सेक्शन में? डिफिकल्टी बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मली मतलब बेसिक था, मतलब जितना अर्थमेटिक सवाल था मैथ में वो सब पूछा गया था। रीजनिंग से था, एडवांस कुछ था, कुछ वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग था पूछा था, मतलब जो लड़का तैयारी किया होगा अच्छा से निकाल लीजिएगा, कुछ हार्ड एग्ज़ाम नहीं लिया है, नॉर्मल था, बेसिक था। लैंग्वेज कौन सा था? हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे। हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे आप? हाँ। अच्छा, हिंदी में क्या सवाल रहे? वाक्यांश था, मतलब विलोम शब्द था, मतलब प्रवाची शब्द था, रिक्त स्थान था, मतलब संधि विच्छेद वगैरह था पूछा था, कुछ क्वेश्चन नॉर्मली था, और क्या इसमें था मैथ वगैरह। आपका क्या रहा? मेरा भी बहुत अच्छा एग्जाम गया। क्या अटेम्प्ट रहा आपका? अटेम्प्ट रहा कि मतलब हो जाएगा। जी, कितने बनाए? सब बना दिए? सब नहीं बनाए, लेकिन 92 क्वेश्चन बनाए हैं सही से। नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं फिर भी नहीं बनाया हम। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला हमको। अच्छा, टाइम नहीं मिला। फिर भी 95 क्वेश्चन, मतलब 95 जी। सवाल आपको कैसा लगा? मतलब आसान था प्रीवियस अकॉर्डिंग? सवाल सर थोड़ा सा मतलब हार्ड था, रीजनिंग में थोड़ा सा हार्ड था। रीजनिंग हार्ड लगा जी, तो और सब बढ़िया था। मैथ ठीक लगा जी, एकदम बढ़िया। जीएस कैसा रहा आपके लिए? बहुत बढ़िया रहा जी। जीएस से कुछ सवाल ध्यान में आ रहे हैं क्या सर? जी ऐसा कुछ सवाल ध्यान में क्या? करंट में आ रहा है सर। अच्छा। करंट में जो हो रहा है सवाल ना सर, वहीं आ रहा है सर सवाल। अच्छा, क्या था? हाँ सर, क्या था वो सवाल? सर सवाल तो यही सर, जो हाल फिलहाल में जो गेमिंग जो गेम उन प्रोडक्टर जो जीता हुआ है लोग, इसी के बारे में सर सवाल पूछा गया था। जी, आप हिंदी बनाए हैं आप? क्या सर? हिंदी बनाए हैं, हिंदी बनाए हैं जी जी। मैथ में क्या पूछे गए? मैथ में यही सर चैप्टर से पूछा गया सवाल, मतलब ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था। जी, कितना सही हो जाएगा? 95 में? 95 में 85 सही हो जाएगा। 85 जी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कोई अभी क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है सर इसमें, नेगेटिव मार्क रहता ना इसमें तो 85 पे हो जाता। अच्छा, लेकिन नेगेटिव मार्क नहीं है इसमें, दिक्कत है इसे थोड़ा। जी जी, मतलब कट ऑफ जाएगा, हाई हाई जाएगा। हाई जाएगा जी। कितना अनुमान लगा सकते हैं आप कट ऑफ? 90+ जाएगा कट ऑफ। 90+ जी। कितना सीट है इसमें? बहुत सीट कम है, 386 सीट है। 386 जी। चलिए, हम आशा करते हैं हो आपका सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। किसका पेपर था आपका अभी? क्या चीज़? मतलब CIASF वाला था ना? हाँ, CIASF हेड कांस्टेबल वाला था ना। कैसा लगा आपको पेपर? बहुत बढ़िया था क्वेश्चन, मतलब आपके अकॉर्डिंग ही फ्रेम किया गया था, सब आसान आसान आया। हाँ, थोड़ा सा मेंटेनेंस में था, थोड़ा नॉर्मलाइज मतलब समझ लीजिए थोड़ा नॉर्मल, लेकिन बहुत बढ़िया था। मतलब एवरेज सवाल, मतलब ज़्यादा आसान भी नहीं, ज़्यादा टफ भी नहीं। जी हाँ, वही एवरेज में एवरेज जो समझिए। अच्छा, चारों सेक्शन में आपको सबसे इजी कौन सा लगा? सबसे इजी रीजनिंग का था। रीजनिंग बहुत इजी था। और थोड़ा सबसे हार्ड? सबसे हार्ड तो वो ये था बेसिक GK GS, और बाकी नॉर्मल ही था। मैथ भी इजी था समझिए, और हिंदी भी इजी ही था, बट GK GS थोड़ा सा, बट कुछ नहीं, वो भी एवरेज में ही, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो GK GS से सवाल थे, किससे संबंधित थे आ रहे हैं? संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेंट अफेयर मिलने देखने के लिए। हाँ, करेंट अफेयर ज़्यादा से 25 में से कितना करेंट अफेयर मैक्सिमम देखने में लग रहा था? 10 से तो आसपास में था। 10 से आसपास। किससे संबंधित था करेंट अफेयर में? लाइक खेल से संबंधित था या किसी योजना से संबंधित था? योजना से संबंधित था, और वो था ना क्लासिकल लैंग्वेज और एड जो हो रहा है ना आजकल, वो सब। हाँ, पेपर देखे मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। कितना एक्यूरेसी के साथ जाएगा आपका टीम? 70 के आसपास। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा GK GS है कि उतना हम लोग
मजबूत नहीं है जीके जीएस में, इसलिए हम कम एवरेज रख रहे हैं, बाकी तो ऑल वेदर में ठीक है। थोड़ा सा जी और मैथ रीजनिंग हो गया वो भी फिट है, सिर्फ हिंदी में थोड़ा वो जो हिंदी होता है ना पुराना लैंग्वेज उसमें हाँ मेरा हो सकता है गलत, बाकी जो पढ़ के आया होगा ना उसका गलत ना होगा। आशा करते हैं आपका हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो ये अपडेट रहा अभी के पेपर का, इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देख रही है पटना एंड मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके, थैंक यू सो मच।